बस से उतरकर जेब में हाथ डाला तो मैं चौंक पड़ा क्योंकि जेब कट चुकी थी जेब में था भी क्या कुल पचास रुपये और एक ख़त जो माँ को लिखा था कि माँ मेरी नौकरी छूट गई है अभी पैसे नहीं भेज पाऊँगा कुछ दिन गुज़रे माँ का ख़त मिला पढ़ने से पहले मैं सहम गया ज़रूर पैसे भेजने का लिखा होगा लेकिन खत पढ़कर मैं हैरान रह गया माँ ने लिखा था बेटा तेरा पचास हज़ार रुपये का मनी ऑर्डर मिला तो कितना अच्छा है पैसे भेजने में ज़रा कोताही नहीं करता मैं काफ़ी दिनों तक इसी सोच में रहा कि आखिर माँ को पैसे किसने भेजे कुछ दिनों बाद एक और ख़त मिला जिसमें लिखा था भाई पचास तुम्हारे और बाकी के पैसे मेरे सब मिलाकर मैंने तुम्हारी माँ को मनी ऑर्डर भेज दिया है फिक्र ना करना माँ तो सबकी एक जैसी होती है ना वो क्यों भूखी रहे तुम्हारा जेब कतरा